इस तरह बाबा अजीत सिंह जी ने तत्ते मैदान के अंदर लड़द्या लड़द्या शहीदी जाम पीता कि उधर हम बाबा जुझार सिंह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहबजादों के विचों दूजे साहबजादे अपने वीर नूं लड़द्या होया वेख के उन्होंने अंदर भी एक जज्बा आया तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी उन्होंने भी आके बेनती की कि गुरु पिता जिवें मेरा वीर अजीत सिंह वैरी दल का मुकाबला करते हुए शहीदियां प्राप्त करते कर गए ने अज मैं भी उहदे वांग इन्हां वैरियां दे नाल लड़दा होया शहीदी जी जाम पीना चाहुंदा हां। दया सिंह ने फिर बेनती की सतगुरु कुछ ते मोह करो पुत्रां नूं वड्डे पुत्र नूं तुसीं तोर दित्ता हुण छोटा पुत्र भी इज्जत कर रहे हां। सतगुरु जी कहण लगे कि दया सिंघा ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੀਰ 5 ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ अपने हथी तैयार किया और गलवकड़ी के लैके प्यार दे के सतगुरु जी ने बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह भी मैदान के तोर दिता तो बाबा अजीत जुझार सिंह भी अपने वीर वांग सुरवीरता के नाल लड़ते हुए जूझते हुए वह भी चमकौर की जंग के शहीद हो गए। हम जिहड़े ने गिनती कि 6-7 सिंह जिहड़े रह गए भाई दया सिंह भाई संगत सिंह ते होर जिहड़े सिंह सन उह उत्थे रह गए। पंजां दा जथा बना के जदों भेजा गया ना गुरु की सात संगत इन्हां जथियां दे विचों उह 5 प्यारिआं दे विचों 3 प्यारे भाई धर्म सिंह भाई हिम्मत सिंह ते भाई साहिब सिंह इन्हां दे जथे भी गए ते इन्हां ने भी लड़दे हुए शहीदी जाम उस चमकौर की जंग दे विच कीता। हुण भाई दया सिंह जी सतगुरु जी नूं कहण लगे कि सतगुरु समां जिहड़ा इह बड़ा भयानक आ गया बड़ी भीड़ वाला समां आ गया ते हुण तुहानूं इस गढ़ी दे विचों सुरक्षित जिहड़ा निकल जाणा चाहीदा। भाई दया सिंह नूं सतगुरु कहण लगे कि दया सिंह मैं कमजोर दिल नहीं हाँ जां मैं कायर नहीं हाँ कि मैं अपनी पिठ दिखा करके इस गढ़ी दे विचों निकल जावां जिवें मेरे ਇਹ ਸੂਰਵੀਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੱਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕੀਏ ਸਾਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਰਮੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਮੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਕੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ
सतगुरु जी ने भाई संगत सिंह के सिर पर अपना दुमाला अपनी कलगी सजा करके जो कि सतगुरु जी के हमशकल से भाई संगत सिंह अपना बाणा उन्होंने पवा के सिर पर कलगी ला के आप बिना कलगी बिना ताज तो बिना बाज तो रात्रि का समय चमकौर की गढ़ी छड़न लगे ने इत्थे पिछे पिछे भाई दया सिंह जिस वेले सतगुरु जी चमकौर की गढ़ी दे विच निकले और ताड़ी मार के सतगुरु जी ने आखिया कि आ दुनिया के लोगो ये हिंद का पीर जा रहे हैं खालसे का गुरु जा रहे हैं सतगुरु जी ने ललकार मार के गढ़ी दे विचों निकले हुण सारा हनेरा है चारे पास्यों ठंड वरतदी पई है हनेरी रात है ते सतगुरु जिस वेले मैदान दे जंग दे विच जा रहे ने किते किते टमकानी किते बिजली चमकदी है जिस वेले बिजली दी तार वजदी है चमक वजदी है ते कुछ पईयां होईयां लाशां दिखदियां ने हुण अगे अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी और पिछे पिछे भाई दया सिंह तुरे जा रहे ने ते जिस वेले बिजली किते जोर दी चमकी ते भाई दया सिंह दे नजरी पै गया बाबा जहान सिंह जो शहीद मैदान जंग दे विच शहीद होके सदा दी नींदरे सुता होया भाई दया सिंह तो रहा ना गया बराग दे विच आके जुझार सिंह दी लाश चुक के अपने पट्टा दे उपर रख ली ते जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने वेख्या कि दया सिंह किथे रह गया जिस वेले बिजली फिर चमकी तकिया ये ते जुझार दी लाश नूं चुक के लोथ नूं चुक के अपने बुकल दे विच लैके बैठा है ते सतगुरु जी कोल आए आखण लगे दया सिंह ये मोह दियां तंदां नूं तोड़ दे सतगुरु नूं बेनती कीती पातशाह इतना भी निर्मोह नहीं हुई दा क्योंकि औलाद दा दुख जिहड़े पशु पंछी है ना ये भी नहीं सहिंदे औलाद दा पुत्रां दा दुख ते पशु पंछी भी अपने मन ते ला लैंदे ने तुसीं ते फिर इंसान हो ते क्यों ना मैं एक काम करा नाल ही अजीत सिंह दी लाश पई है कोले जुझार सिंह दी लाश पई है मैं अपने दस्तार नूं पाड़ के मैं दो टोटे बना लवां बना के मैं इन्हां दे उपर पा दिया सतगुरु कहन लगे कि दया सिंह मैनू अजिहा पिता ना बना जिहदे विच मैं कोई फर्क पा देवां मैं खालसे दा भी पिता ते मैं इन्हां दोनों पुत्रां दा भी पिता मैं अजिहा पिता नहीं कि मैं अपने सके पुत्रां दे उपर ते मैं कफन पा देवां ते जिहड़े आ खालसे पए ने 40 सिंह जिहड़े होर पए ने शहीद जां ते फिर इन्हां दे भी कफन दा कोई इंतजाम होवे फिर इन्हां ते भी पाया जावे नहीं जेकर इन्हां दे नहीं पाउणा ते इन्हां दोहां दे उपर भी नहीं पैणा हाँ इन्हां हो सकदा कि इन्हां दे जिहड़े दुमाले ने इन्हां दुमालियां नूं इन्हां दे मूंह दे उपर ही मोड़ दे इस तों बाद सतगुरु जी ने देख के अणडिठ किता कर दिता पुत्रां दीआं लाशां दे कोल दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी निकल गए हुण उत्थों सतगुरु जी निकल के माशीवाड़े दे जंगलां वल चले गए सिर ते ना ताज है ना अज बाज है देखो कैसी अवस्था है जिस वेले आनंदपुर साहब की धरती से सतगुरु जी के सिर ते रेशमी चंदोए झूलते सन रेशमी बिछाणियां ते सतगुरु जी पैंदे सन सिर ते चौर झूलदा सी प्रशादी हाथी कोल सी उस वेले भी अकाल पुरख करता याद सी अज सिर ते ना ताज है ना कोले बाज है ना पैरां दे विच जूड़ है पैरां दे विच छाले पै गए कंडे वज वज के पैर काणे हो गए जामा जिहड़ा सूलां दे विच फस फस के कंडियां दे विच फस फस के लीरो लीर हो गया ते अज उह मच्छी जंगल मच्छीगढ़ दे जंगलां दे विच आ के जिस वेले पए ने ते हवा दे राही अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं सुनेहा भेज रहे ने उहदा शुक्र मना रहे फिर भी कह रहे ने कि हाल मरीदा दा तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां ते रहना कि मेरे मालक जेकर मैनू तेरा विछोड़ा पै जाए जिवें लखां ही नाग जिहड़े इन्हां छाती ते डंग मारदे ने उहदा दर्द जिहड़ा उह दर्द जितना होवेगा ना उस तों वध किते तेरे विछोड़े दा दर्द मित्र प्यारे नूं हाल मरीदा दा उस अकाल पुरख वाहिगुरू कह रहे ने अपना सुनेहा हवा दे राही भेज रहे ने फिजाना दे विच सुनेहा भेज रहे ने कहण तों भाव कि जे अज आ हालत होई है तां वी करता अकाल पुरख वाहिगुरू याद है जे सुख राम दी जिंदगी दे विच सन तां वी ओह मालक वाहिगुरू करता याद सी हुण वापस फिर आपां चमकौर दी गढ़ी दे विच आईए सतगुरु जी रात दे हनेरे दे विचों
गढ़ी दे विचो निकल गए, भाई दया सिंह जी नाल चले गए। हुण जिहड़े बाकी जिहड़े सिंह रह गए सन, भाई संगत सिंह वर गए, वह भी शहीद हो गए। हुण कोई भी सिंह गढ़ी दे विच जिंदा नहीं बचिया। हुण दूजी रात आई है, 22 दिसंबर की रात आई है, पर मैं एक गल कहनो भुल गया आप जी नूं कि 21 दिसंबर सन 1704 साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ते साहिबजादा बाबा जुझार सिंह शहीदी जंग पीते ने। उस दिन ते इन्हां साहिबजादों का शहीदी हुई ते उस दिन ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा सी। पुत्रां दा शहीदी दिहाड़ा, पिता का अवतार दिहाड़ा, कैसा संयोग रलिया। गढ़ी दे अंदरों सारे सिंह शहीद हो गए। हुण 22 दिसंबर की रात आई, सिंघां दीआं लाशां जिहड़ियां मैदान दे विच पईआं ने। एक सिंह दा होर जिक्र करना है आपां, उह बीबी जिस बीबी ने रात दा हनेरा वेख करके सिंघां दीआं लाशां नूं वेख वेख के चुण चुण के एक थां इकट्ठा कीता, उह बीबी दा नाम इतिहास दे विच बीबी हरशरण कौर करके आउंदा है। नेड़ इलाके की रहने वाली वह बीबी अमृतधारी रात को सिंघां दीआं लाशां चुक चुक के एक पासे बन्ने करके एक चिखा तैयार की, आप लकड़ां इकट्ठियां कीतियां, एक चिखा के उपर उन्हां सिंघां नूं सारे पा के उन्हां दा अंतम संस्कार किया। जिस वेले अंतम संस्कार दीआं चिखा दीआं लाटां निकलियां तो फौजियां नूं पता लगा कि वेख्या कि इत्थे इह अग किवें बलदी पई है। जो कोल आ के वेख्या कि एक सिंघनी अमृतधारी सिंघनी शस्त्रधारी सिंघनी है, ये सिंघनी सिंघां दीआं लाशां नूं चुक चुक के उन्हां दा संस्कार करदी पई है। तो जिस वेले सिंघनी नूं ललकारिया तो उस सिंघनी बीबी हरशरण कौर ने अपनी म्याण की तलवार के नाल वैरी दल का मुकाबला किया। आखिरकार उन्हां वैरियां ने बीबी नूं पकड़ के उस बलदी हुई चिखा दे विच सुट के उन्हें शहीद कर दिता। यह भी अज्ज दे शहीदां दे विच शामिल है, बीबी हरशरण कौर। सो ये इतों तक चमकौर साहब का इतिहास। हुण आपां फिर परिवार विछोड़े तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे माता गुजर कौर उन्हां दे इतिहास में लई गए। सरसा नदी जिहड़ी बड़े उफान ते सी, बहुत कीमती समान ते कुछ ग्रंथ इसे सन जिहड़े उस सरसा नदी दे भेटा चढ़ गए। उसे ही सरसा दे कंढे ते माता गुजर कौर दा ते छोटे साहबजादे दा विछोड़ा पै गया। वह पिंड खेड़ी जो कि सरहद दे वल नूं है, उस रस्ते ते पए ते रस्ते दे विच गंगू मिल जांदा ब्राह्मण। इतिहास ते कहिंदा कि वह ब्राह्मण गुरु घर दा रसोईया सी, पर नहीं, यह इतिहास दे विच नहीं है। रसोईया नहीं सी, वह ब्राह्मण सी। और कुछ समय वास्ते उहदे मन दे विच हमदर्दी आई माता गुजर कौर जी नूं ते साहिबजादियां नूं अपने घर लिजाउण वास्ते जा रहे ने। जो रस्ते दा सीन है सरसा कंडे तों लैके खेड़ी पिंड तक पहुँचने का जो सीन है, वह कविता के रूप में ज्ञानी जसविंदर सिंह जी आप जी श्रवण कराएंगे और सारिया संगत मिल के उतों की कविता के रूप में इतिहास में श्रवण करेंगे। ਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ ਵਟਾ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ राजंगलां दे पै गए ने रात
ਜਗਦੋ